तो वहीं सुबह सुबह के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर बंजारा समाज के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि इस दौरान ओपी राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। एमपी में गठबंधन टूटने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है, ये लोग जनता को लूटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो बता दें कि सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर औरैया में बंजारा समाज के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसी दौरान ओपी राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और एमपी में गठबंधन टूटने पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है, ये लोग जनता को लूटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए ये ठग बंधन है, ये जनता के हक को लूटने वाले लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं जो विपक्ष में इकट्ठा है। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार चार बार थी, लंबे समय तक लोग शासन किए। अगर ये लोग हक दिए होते, हिस्सा देते, आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मात्र 2 MLA हैं और समाजवादी पार्टी शायद मैं साथ नहीं होता, आज समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी होती, तो खुद अपने से सोचो। तो वहीं लखनऊ के सरोजिनी नगर से बीजेपी